हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और सिनेमाग्राफिक वीडियो। इस वीडियो में भी हम अपने फोटो को सिनेमाग्राफिक लुक देंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वीडियो को रेंडर किस तरह से करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जिप फाइल या GIF फाइल भी किस तरह से सेव कर सकते हैं, जो कि आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देखी होगी GIF फाइल। तो इस फोटो को हम सिनेमाग्राफिक लुक किस तरह से देंगे, आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने ये इमेज ले ली है, तो इस पर हम अपना इफेक्ट यूज करेंगे और हमारा इफेक्ट होगा स्नो इफेक्ट, क्योंकि हमारी इमेज में स्नो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्नोफॉल, तो हम इसमें स्नो इफेक्ट देंगे। तो फाइल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको विंडो में जाना है और यहाँ से अपनी टाइम लाइन को ऑन कर लेना है, ये, और क्रिएट वीडियो टाइम लाइन इस पर क्लिक करना है यहाँ पर। तो ये वो हमारी लेयर है। यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये आपको दिखाई देगी। इसका साइज़ यहाँ से बढ़ नहीं रहा, सिर्फ ये जूम हो रही है। ड्यूरेशन इसका उतना ही है, लगभग 5 सेकंड का इसका ड्यूरेशन है। यहाँ से आप अपनी लेयर को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, तो इतना जूम रख लेते हैं हम। याद रखिए, मैंने इसका ड्यूरेशन नहीं बढ़ाया है, इतना ही इसका साइज़ है। तो उसके बाद हम लेकर आते हैं अपनी फाइल को, जो कि हमारी स्नोफॉल है, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और इसका साइज इतना बड़ा कर लेते हैं ताकि ये हमारे पूरे इमेज के ऊपर आ जाए। तो जो हमारी ये फाइल है, ये लेयर है, इसका साइज, इसका जो ड्यूरेशन है काफी बड़ा है इसकी लेंथ, तो इसको हम छोटा किस तरह से करेंगे। पहले हम इसको यहाँ से ही जूम आउट कर लेते हैं और उसका साइज़ इस तरह से उतना कर लेते हैं जितना हमारा इस लेयर का साइज़ है। तो ये लेयर हमारी अभी दिखाई नहीं दे रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी स्नोफॉल लेयर है उसको सेलेक्ट रखेंगे और उसका मोड हम यहाँ से चेंज कर देंगे स्क्रीन। तो अब प्ले करके देखते हैं। प्ले करने के लिए आप स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं या आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो कुछ और इफ़ेक्ट हम इसमें ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ एक टेक्स्ट। ये टेक्स्ट हमने यहाँ पर ले लिया है, तो इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, लगभग इतना, और इसके ऊपर मैं स्ट्रोक ले लेता हूँ। इस लेयर पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से स्ट्रोक, और यहाँ से कलर मैं थोड़ा सा ग्रे कलर लूँगा, ये ओके। तो आप चाहे तो अपने टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्ले करके देखूँ तो हमारा टेक्स्ट कुछ भी यहाँ पर मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी मैं इस लेयर के नीचे रखना चाहूँगा ताकि इसके ऊपर भी स्नो दिखाई दे, हमारे टेक्स्ट के ऊपर भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर जो इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा है एरो, इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी एक और प्रॉपर्टी खुल जाएगी, जिसमें हम थोड़े से और इफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से एनिमेट करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा आपको जो ये आइकन दिखाई दे रहा है स्टॉप वॉच का, उस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डायमंड जैसा आइकन आ गया है, ये हमें इंडिकेट करेगा कि हमारा इफेक्ट यहाँ से शुरू होकर और जहाँ तक हमारा एक और नेक्स्ट इस तरह का छोटा सा आइकन दिखाई देगा वहाँ तक हमारा इफेक्ट चलेगा। तो यहाँ से शुरू हुआ तो हमें यहाँ तक क्या इफेक्ट देना है, तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और या हम शुरुआत में ही चलते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरह से करते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ तक आते आते ये बिल्कुल सीधा हो जाए, तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से,
तो अगर आप मैं प्ले करके दिखाऊँ आपको, तो देखिए हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा एनिमेट हो रहा है, और हम चाहते हैं फिर ये ख़त्म होते होते वहीं तक ही आ जाए। तो यहाँ पर जो हमारी पहले सेटिंग थी वही कर लेते हैं। अगर आप इस तरह से ना कर पाओ तो आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है, और इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। तो हमारी वही जितना यहाँ पर रोटेट था उतना वहाँ पर भी रोटेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये इफ़ेक्ट भी इसमें यूज कर सकते हैं। और भी इसमें इफ़ेक्ट है, अगर आप चाहते हैं कि ये शुरुआत से बिल्कुल इसकी ओपेसिटी ज़ीरो हो तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। शुरुआत में लेकर जाइए और इस पर क्लिक कर दीजिए, और हम चाहते हैं इसकी ओपेसिटी यहाँ पर ज़ीरो हो और यहाँ तक आते आते वो 100 हो जाए, और फिर यहाँ पर आते आते वो ज़ीरो हो जाए। तो प्ले करके देखते हैं, तो देखिए ये ओपेसिटी का भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई और स्टाइल इसमें यूज करना चाहते हैं, फिलहाल मैं ओपेसिटी को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, वो डिलीट हो जाएंगे। तो स्टाइल पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप चाहते हैं कि इस पर क्लिक करेंगे, आप चाहते हैं कि इसमें कोई और, या आपका जो इसमें हमने स्ट्रोक यूज किया है वो स्ट्रोक यहाँ पर 0 हो और यहाँ तक आते आते वो उतना ही हो जाए जितना पहले था 8। ओके, और फिर यहाँ तक वो 8 ही रहे। उसके लिए हमें दोबारा 8 नहीं दबाना है, बस इस पर क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक उतना ही रहेगा, और यहाँ तक जाते जाते फिर आप उसको 0 कर दीजिए तो वो फिर 0 या 1 हो जाएगा। ओके, अब प्ले करके देखते हैं, तो देखिए इसका स्ट्रोक भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप और इफेक्ट अगर यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसे हमारा कलर ओवरले है, कलर आप इसी तरह से कि शुरुआत में कोई कलर, तो इस तरह के आप इफेक्ट इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने इफेक्ट यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम डिलीट कर देते हैं, और बाकी हमारा जो टेक्स्ट टाइप है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो यहाँ तक हमारा इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसको वीडियो में एक्सपोर्ट कैसे करेंगे ताकि हम अपने किसी भी डिवाइस में इसको यूज कर सकें, प्ले कर सकें। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और रेंडर वीडियो पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जो नाम आप देना चाहें वो नाम अपनी फाइल को दे सकते हैं। यहाँ से आप फाइल फोल्डर चूज कर सकते हैं जहाँ पर आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बाकी आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसको भी यहाँ से नहीं करना है आपको, आप यहीं से ही उसका साइज़ छोटा कर लीजिए इमेज के अंदर जाकर, इमेज साइज़, और यहाँ से। तो इतना करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ से नाम चेंज करना है, फोल्डर लोकेशन देनी है और रेंडर पर क्लिक कर देना है, आपकी वीडियो रेंडर हो जाएगी। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसको GIF फाइल में किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए आप फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट में जाइए, और यहाँ से सेव फॉर वेब लेगेसी पर क्लिक कर दीजिए। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि हमारी फाइल का साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो पहले ही आप अपनी फाइल का साइज़ छोटा कर लीजिए अगर आप GIF फाइल में उसको सेव करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका JPG या PNG है, तो यहाँ से आप GIF को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर यहाँ पर कलर 256 है 256 भी चलेगा अगर आपकी फाइल का साइज़ छोटा है। अगर आपकी फाइल का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो आप यहाँ पर 128 कलर्स रख सकते हैं। यहाँ पर हमारी फाइल का साइज़ वो दिखा देगा, यहाँ पर इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारी फाइल का साइज़ काफ़ी बड़ा है। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ये सेव भी नहीं होगा। तो आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ से GIF और यहाँ से 256 या 128 कलर रख सकते हैं। और मैं सेव पर अगर क्लिक करूँ तो देखिए सेव नहीं होगा,
यहाँ से आप अपनी लोकेशन दे सकते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए कुड नॉट कंप्लीट। तो इसका साइज हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं लगभग 700। और अब मैं इस पर, ये शायद अभी भी सेव ना हो, तो अब यहाँ पर ये सेव हो जाएगी। ये देखिए इसका साइज 5 MB का है। अगर मैं इसको 256 में कन्वर्ट करूँ तो इसका साइज देखिए आप, यहाँ पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इसको रख लेते हैं 256 में ही रख लेते हैं, और उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नाम आप जो देना चाहे, लोकेशन सेव, तो वो हमारी फाइल सेव हो चुकी है डेस्कटॉप पर। तो अब उसको देखते हैं, ये वो हमारी फाइल है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हमारी फाइल यहाँ पर आ गई है। इस तरह से आप वीडियो में सेव करना चाहे या GIF फाइल में सेव करना चाहे। और जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये प्ले हो गई। शायद विंडो 7 में ऐसा ना हो, अगर आप डबल क्लिक करेंगे शायद वो इस तरह से प्ले ना हो। प्ले हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना भी हो तो आप राइट क्लिक कीजिए और ओपन विद में जाइए और यहाँ से इंटरनेट एक्सप्लोरर पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप प्ले करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को सिनेमाग्राफिक लुक दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप तक इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो पहुँच जाए। और मैं इस फाइल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।